हेलो भाइयों, मैं हूँ आकाश पवार और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा की आवाज़ें आ रही हैं। सो हवा की आवाज़ को आप इग्नोर करके मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चल रहा है भाई, देखिए काम, मिस्त्री कितना खींच खींच के काम करने लग रहे हैं। यहाँ पे बिजली का पूरा काम हो चुका है, जो कल आप पूरा नहीं देख पाए थे। देखो पाइप जो होते हैं बिजली के, वो कैसे कैसे इधर से उधर इधर से उधर कितने सारे पाइप होते हैं। ये बस एक ही ताली भी है जो इन सब चीज़ों को समझ सकता है कि किस पाइप में कौन सा तार डालना है, अदरवाइज़ हम तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी सेटरिंग हो गई और सेटरिंग के नीचे ये पत्थर भी लग गए ताकि ये थोड़ा ऊंचा रहे और बढ़िया तरह से लेंटर इसमें फंस जाए। और यहाँ ही मिस्त्री लग रखी है पूरा सेटिंग करने ऊपर फटाफट से। और इधर इनके नीचे गत्ता भी लगता है ताकि इनमें लेंटर ना घुस जाए। और ये देखो यहाँ पर मशीन आ गई, लेंटर की मशीन आ गई है जिसको यहाँ पर लाया जा रहा है चढ़ाने के लिए। और इसको डर लग रहा है चलने। ये देखिए यहाँ पे अपनी रोड़ियाँ आ गई हैं और सीमेंट भी आ गया है यहाँ, वंडर सीमेंट। हाँ कुछ ना आ गया, छोटी छोटी गिट्टी लगा, छोटी गिट्टी लगाएंगे तो माल कैसे जाएगा नीचे। अच्छा हाँ, गैपिंग नहीं आएगी फिर, माल तो भरेगा ही नहीं, सरिया दिखेगा ऐसे ही। जान ताले ये यार, माल अपना यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तालिब को देखो, तालिब अपने घर का बंदा, तालिब को चिंता हो रही है कि ज्यादा माल गिर जाएगा। वहाँ देखो भाई, वो जोन डियर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, अब उसमें धक्का दे रहे हैं सारे के सारे, रोड ही भरे हुए में धक्का देना पड़ रहा है उसमें। ये देखो भाई, उनसे नहीं सहारा लग पाया और यहाँ पे इस ट्रैक्टर ने धक्का दिया है सोनालिका ने आखिरकार जोन डियर को। देखो कितनी मस्त, कितना अच्छा, कितने सहायक लोग हैं इधर, मदद करके चल दिए। पहले इस ट्रैक्टर को धक्का दिया सोनालिका ने, अब ये ट्रैक्टर इसको धक्का देगा बिकॉज कि ये चढ़ नहीं पा रहा है। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये ऊंचा ही है, यहाँ पे इस मशीन को लगना है कि ये ऊंचा है और लेबर पे धक्का दिया नहीं जा रहा है इसमें। तो अभी ये ट्रैक्टर जो है वो पीछे से फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। देखो देखो देखो, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। और ये स्टेयरिंग इसका इधर से ही है, देखो हाथों से ही इसका स्टेयरिंग बना दिया। ओ नाइस, ये देखो बल्ली बल्ली भी मुड़ गई है, वो कितना मेहनत का काम। सो हार्ड वर्क, ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे, अब ट्रैक्टर यहाँ पे फिर से जोर लगाएगा। अरे नहीं लग पा रहा, मिट्टी है ना तो ये चल नहीं पा रहा इधर। अभी आ गया मैं नीचे उतर के और यहाँ पे खल गई हैं रोड़ियाँ, रोड़ी खल गई हैं इधर इधर। यहाँ पे पूरा मशीन का सामान देखो कितनी भरी भरी लगने लगी है प्लॉट। और यहाँ पे चूल्हा देख के आप कह रहे होंगे खाना, तो भाई ये जो मिस्त्री हैं ये भाई यहाँ पे राजस्थान से आए हैं बहुत दूर से, तो ये लोग इधर ही रहते हैं अभी। इनको मच्छरदानी दे रखी है, इनके बैग वैग कपड़े और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब इनको दिया भाइयों को, कि आप लोग यहीं रहो यहीं काम करो मस्त तरीके से एकदम। कितनी नीली रोड़ी ये सबसे, इनकी इस गाड़ी का एक टायर बैठ गया है यहाँ पे, उस टायर के नीचे लगा रहे हैं अब ये लोग। फिर से ट्रैक्टर आ गया पीछे जोर लगाने के लिए। देखो पल्ली का तो यहाँ पे कस्टमर बनाते हैं। ओ वाह बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे काम अपना स्टार्ट हो गया, बताएगा हमको ये भाई। लेंटर तो डलना स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे झिरी काटी जा रही है, इसका मतलब हम यहाँ पे वॉल लाइट लगवा रहे हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे लाइट फेंकती है तो उसके लिए झिरी काटी जा रही है। क्योंकि अब यहाँ पे तो प्लास्टर हो चुका है, प्लास्टर जिससे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो अब यहाँ के बाद मिस्त्री चढ़ेगा इस दीवार पे और इस दीवार की अब जो प्लास्टर है वो स्टार्ट होगा, तो इसलिए पहले इसकी झिरी स्टार्ट हो चुकी है। छोटा सब चीज़ें तो ये तो बात की बात है। ये देखो ओवरऑल सेटअप इस तरीके से हुआ है यहाँ पे, ऐसे भरा भरा सा। इन लोगों को देखो 11 बजे के लगे और 2:10 पे काम स्टार्ट हुआ है। सबको बता से खिला दिए गए हैं कि भाई लोग खाओ और लड्डू बटेंगे जब पूरा डल जाएगा। स्टार्टिंग में हमारी मम्मी जी बैठी है वहाँ पे, उन्होंने बता से खिला दिया। यहाँ पे ठंडा ठंडा चिल्ड पानी है उसका, टैंकर का मीठा पानी। यहाँ पे आई रिंगड़ी, यहाँ पे क्रेशर और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वंडर सीमेंट, 420 रुपये का एक कट्टा। ये देखो ऐसे पानी यहाँ टैंकर से पाइप से और यहाँ पे ये डाल दिया जा रहा है धीरे धीरे। देखो एक डालता है आपका सीमेंट, उसके बाद एक पानी
देखो कैसे मशीन है ये यहाँ पे, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ, इन्होंने आई से ट्रैक्टर का कर रखा है इंजन यूज मशीन को चलाने के लिए। रिम्स हैं आपकी जीप की, और आप देखोगे पूरा का पूरा सेटअप ऐसे जुगाड़ू बना रखा है ऊपर। ये देखोगे पूरा तार वार का सिस्टम है पूरा ऊपर का एकदम ऐसे परफेक्टली। देखो भाई यहाँ लोवर तार से बांध रखी है इन्होंने इन भाई के पैर में, देखा कट्टे का। किसी ने भाई कट्टा पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा है। और यहाँ पे देखो ये बल्लियाँ यहाँ ये बैठने लगी हैं क्या इधर। यहाँ पे एक भाई पूरा मॉनिटर करता है, एग्जामिन करता रहता है कि कोई बल्ली, क्योंकि अब जैसे सिलेंडर डल रहा है। और भाई ऐसे चिल्ला रहा और एकदम पट से आवाज आई, बल्ली गिर जाएंगी भाई। देखो यहाँ पे बल्ली गिरने का भी डर है। एक भाई देखता रहता है कि कहीं पे लोड बढ़ता है तो वो एक पर मार रहा हो भाई, बल्ली बल्ली से मार रहा हो, बल्लियों से दूर रहो भाई। क्या है उधर से पानी आ रहा है, कभी कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, हो क्या रहा है ये लग रहा है। ये देखो ऐसे मशीन नीचे आ गई, अब इस मशीन में ये माल डल जाएगा। यहाँ पे यार ऊपर जाने लगा ये मिस्त्री, ये बिरजे मिस्त्री की हरकत थी। देखो भाई ऐसे इन्होंने मेटीरियल डाल दिया, देखो डाला मेटीरियल पूरा डाला। हाँ हाँ बस यहाँ ऊपर जान दे पहुँचाएगा इस हैंडल से। देखो देखो मैकेनिज्म, देखो भाई वो उससे मिल जाता है, फिर वो उसके साथ में उसी की स्पीड से रोटेट करके एंड देन ये यहाँ पे पहुँच गया। ये खला दिया उन्होंने ट्रॉली में, उसको खला दिया। आ रहा हूँ उन्होंने ट्रॉली में खला दिया इसको। इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पर इसको अंगेज कर देते हैं, फिर इसको डिसंगेज कर देते हैं। अभी मैं ऊपर चलता जाल बिछा दिया गया है, बिजली का काम इज कम्प्लीट। और ये मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन ये, और ये इनकी मैनुअल है भाई। एक मोटर वाली आती है जो जिसमें स्टेयरिंग व्हील होता है, वो अपने हिसाब से उसको लेके जाते हैं, लेकिन ये मैनुअली इसको धक्का मार के जाना पड़ता है। ये देखो इस पे ऐसे व्हील्स रहते हैं, और ये फिर ऐसे इसको लुड़का लुड़का के सीधे वहाँ तक लेके जाते हैं, और फिर आपका काम यहाँ पे होता है। जो वो नीचे से बन रहा है वो मेहनत सारी यहाँ पे रंग लाती है, इसको ऐसे यहाँ पे बिछा दिया जाता है। और यहाँ पे तालिब जैसा कि एग्जामिन कर रहा है कि कभी इसका कोई पाइप वाइप इधर उधर, बहुत लोग का काम होता है, बिजली वाला चाहिए, मिस्त्री चाहिए और बल्ली वाला चाहिए, सब लोग एग्जामिन करते रहते हैं कि इसके पाइप में कहीं मसाला। और मिस्त्री मिस्त्री जी के शूज देखिए मिस्त्री जी। हाँ जी सरकार बोलिए, कैसे हो? बस ठीक है जी, आप सुनाओ जी, मजे आ रहे हैं जिंदगी के? हाँ जिंदगी में मजा ले रहा हूँ। गोबर लगा होना चाहिए। अब सरकार बताऊँ क्या है, कभी कभी गोबर से भी काम चलता है, कभी कभी सीमेंट गिर देते हो, कभी छत पे गोबर भी गिरने पड़ जाता है, कभी कभी ट्रॉली भरने पड़ जाती है, गोबर से भी लेंटर गिरता है क्या? और ये मिस्त्री जी का साला साहब है, देखो इन्होंने तो शूज पहन रखे हैं और ये इसको लुड़काए जा रहे हैं। हाँ बारात में जाऊंगा, अब जाऊंगा। और यहाँ पे देखिए इतना नीचे का प्लास्टर का ऐसा डिजाइन बना रहे हैं इन्होंने, अपनी शेड भी नील से नीली नीली कर रखी है भाई। ये मेहनत देखिए, अभी इसको आने दे इधर आजा, ट्रॉली दिखा। अभी देखो भाई ये चल रहा है। तालिब आपका काम ओके है? कोई पाइप नहीं हिल रहा, कोई डिब्बी नहीं हिल रही, घर में गिर दी हो ठीक है, कोई सो भी ना हो। आकाश तालिब में डांट लगाते हुए, तालिब मेरे को एक चीज बताइए, आप यहाँ आपने यहाँ पे एक दो तीन डिब्बी लगाई है, ऐसा क्यों, क्या क्या लगाओगे इनमें? दो पंखे लग जाएंगे, एक झूमर लग जाएगी। झूमर क्या है झूमर? भाई तालिब यहाँ पे झूमर लटका रहा है, ये तालिब का छोटा भाई, तालिब है 19 साल का, ये 10 साल का, डिफरेंस देख रहे हो अब 9 साल का गैप है। ऐसा ही होना चाहिए, सही चीज यही है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस हो। अरे ये देखो ट्रॉली कैसे जाएगी, अभी चलते हुए देखो ये माल आ गया बन के। अबे भाई मेहनत करेगा और इसको सरका ले जाएगा, ये इतना ऊपर बांध देते हैं, और जैसे अगर आपके सेकंड फ्लोर होता है तो भाई इसको और ऊपर बांध देते हैं ये लोग, तो ऐसा सिस्टम चलता है। देखिए गाड़ी कैसे लुढ़केगी भाई, डर रहे हैं ये बल्ली बल्ली बैठ जाने। ये देखो हाँ हम नीचे भी जा सकते हैं, देखो देखो भाई मेहनत देखो आप, ये मैनुअल का यही होता है, इसीलिए कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले लो।
यस मैनुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखना ये ऐसे इसने घुमाया और इसको डाल देगा, ये इसने लॉक खोला और ये देखो भाई, और ये 2 घंटे में ऐसा सेट हो जाता है, कोई छुटाओ से सुधारा दिशा मतलब छुड़ाए से नहीं छोड़ सकता इसको, इतनी भारी गर्मी पड़ रही है बिल्कुल। और यहाँ पे मिट्टी भी डाली जाती है जिससे आराम से ये चिपक जाए, देखो भाई देखो भाई लेंटर अपना गिर गया, मशीन इन्होंने कर दिया अपना डिसेंबल, और लेंटर गिरने के बाद में देखो पानी कितना गिरता है नीचे, देखो पूरा पानी पानी। अभी तो ये कम हो गया क्योंकि अभी टाइम हो गया इसको गिर रहे, तो ऐसे यहाँ पे देखो ऐसे लाइक दैट अंधेरा हो गया, ऐसा रहा करेगा ये रियल में कमरा। अभी तो आपको मेरे कैमरा क्वालिटी जो मेरा 12 प्रो है उसकी वजह से आपको इतना साफ दिख रहा होगा, अदरवाइज इसमें बहुत अंधेरा हो गया है, तो कोई भी बल्ली नहीं बैठी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लेंटर गिर चुका है एकदम समतल तरीके से। एक बार मैं ऊपर जाके और आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो गाइस यहाँ पे गिर गया लेंटर, ब्रिजेस जी यहाँ पे करने लग रहे हैं अभी तक बिकसार, नीचे मशीन खुल चुकी है, बट स्टिल ये अपने जूतों के छाप के निशान यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, देखो सो प्रीटी सो ब्यूटीफुल। तो भाई 6 बजे तालिब माउंटेन ड्यू भी पिए को डू हैं डू भी पिए को विमल पान मसाला भी खाए को यहाँ मिल रहे हैं लड्डू पेप्सी, यहाँ पे लेंटर डन, लेबर चल दिया अब अपना लेकर मशीन को बांध के, बालक एंजॉय स्लीपिंग। प्लस्तर होगा अभी 15 दिन की गई, अब 15 दिन बाद ये सेटरिंग हटेगी, उसके बाद में फिर इसमें प्लम्बर घुसेगा, फिर बिजली वाला घुसेगा, पाइप डालेगा, फिर प्लस्तर होगा, तो इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा। बाकी यही थी वीडियो, सो यहाँ पे अरुण नहा धो के बैठा है अभी, यही है भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।